कर रहे छात्र को जब ये पता चलता है कि एलपी का सिर्फ 5696 वैकेंसी आने वाला है तो कहीं ना कहीं उसका आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए अभी हम पटना में हैं और यहाँ पर पटना के मुसल्लापुर हाट में छात्रों ने मोर्चा खोल दिया और ये आ चुके हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थान जा रहे हैं। इन लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं, दिखाइए भीड़ किस प्रकार से छात्र आ चुके हैं और लगातार ये इस चीज की मांग करते हैं। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? देखिए हम लोगों को जो है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा 6 साल के बाद में ये एएलपी की वैकेंसी आई है, लेकिन एएलपी की वैकेंसी हम लोगों ने उम्मीद नहीं किए थे कि इतनी कम मात्रा में वैकेंसी आएंगे और कितने लोगों जो है अभी बिहार में पूरा भारत में बेरोजगार है। रोजगार के लिए हम लोग रेलवे के एक निर्भित होकर के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से तैयारी करने के बावजूद भी आज हम लोगों को जो है कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? 6 साल से। 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 कहीं ना कहीं 2018-19 के बाद से 18 के बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। 6 साल से कितना उम्मीद कर रहे थे कितना वैकेंसी तो आना ही हम लोग उम्मीद करते थे कि वैकेंसी आनी चाहिए। एएलपी और टेक्नीशियन में पिछली बार जो 64-65 हज़ार वैकेंसी थी, इस बार आप लोग को क्या उम्मीद लग रहा था कितनी वैकेंसी आएगी? 1 लाख वैकेंसी की उम्मीद कर रहे हैं। खुद रेल मंत्री बोले थे संसद में कि रेलवे में 2.5 लाख से ऊपर वैकेंसी आए रेलवे में, तो अब जब उतना 2.5 लाख वैकेंसी होने के बाद रेलवे क्यों नहीं वैकेंसी दे रही है जो कि 5-56 से कुछ दिखा रही है एलपी टेक्नीशियन का? तो हमें रेलवे मिनिस्टर खुद बोला है कि 2,84,000 खाली है, 2,84,000 वैकेंसी दिया हूँ। और रेलवे मिनिस्टर से हमारे स्टूडेंटों का बस यही अनुरोध है कि हम लोग और कांस्टेबल का 2,200 वैकेंसी है और हर चीज के लिए अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे तो पढ़ेगा कब, तैयारी कब करेगा? रेलवे में पहले वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट करे, फिर एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट करे, फिर रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करे, फिर ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट करे और इतनी कम मात्रा में सीट देने के बाद कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी तक नोटिस भी आया, कई साइड से नोटिस को हटा दिया गया। स्टूडेंट का उम्र एक्सपायर कर रहा है, आत्महत्या करने पर शुरू कर जाएंगे अगर ऐसा रहा तो आत्महत्या करेगा। लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर रेलवे वैकेंसी नहीं बढ़ाएगी तो हम लोग को सुसाइड करवा। क्या मांगे क्या है आप लोग? वैकेंसी बढ़ाई जाए, टीचरों को हम यही कहना चाहेंगे कि कोर्स बेचना बंद करें और स्टूडेंट के हित में पटना वाले जितने सर एक थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, एक एक पटना वाले जितने सर आप लोग के साथ हैं। अगर मान लीजिए आप लोग की बात नहीं मानी जाती है, वैकेंसी की संख्या को इंक्रीज नहीं किया जाता है, उन लोगों के पास हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं खान सर से, वो वीडियो बनाए, नंबर ऑफ वैकेंसी को बढ़ाया नहीं जाता तो आप लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ वैकेंसी को अगर बढ़ाया नहीं जाएगा तो हम लोग किसी भी तरह की हद की सीमा को पार करने के लिए मजबूरन हो जाएंगे और हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास बेरोजगारी है, अगर रोजगार नहीं मिलता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो एकदम बिल्कुल सरकारी नौकरी रेलवे के ही भरोसे रुके हुए हैं, इसीलिए रेलवे के भरोसे, कोई एसएससी का फॉर्म नहीं बता और 6 साल का वेटिंग हो गया, 6 साल के बाद भी ये करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं? कम से कम कितने वैकेंसी चाहिए? 18 में 65 हज़ार वैकेंसी था, इस बार तो कुछ ज्यादा वैकेंसी चाहिए। हम कितने 1 लाख वैकेंसी बोले, जितने रेल मंत्री ने कहा कि उनका इतना पद खाली है, जितना भी रेलवे में सीट खाली है सभी को